एक टाइम था जब साउथ सिनेमा को एंटी फिजिक्स, एंटी ग्रेविटी और न जाने कितने नामों से बुला के मारधार एक्शन सीन्स का खूब मजाक बनाया जाता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। रीजन, तेलुगु सिनेमा का पावरफुल कंटेंट, बाहुबली द गेम चेंजर, जब पूरा बॉलीवुड एक अकेली फिल्म के आगे सरेंडर, फिनिश, खत्म। अभी वो सेम चीज का ना एक बार दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देखने को तैयार हो जाओ। तेलुगु सिनेमा इज बैक, वो भी नए माल के साथ, एकदम फ्रेश, एकदम कड़क। समझने वाले समझ गए, बात होने वाली है पुष्पा, पुष्पा राज की, अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर जो बॉक्स ऑफिस पे तोड़फोड़ मचा देगी। बॉस, बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ उसका। कहानी स्मगलिंग की है, जंगल से कुछ बाहर जा रहा है जिसके बदले में पैसा मिलेगा खूब सारा, इतना जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। स्मगल हो क्या रहा है? रेड सैंडलवुड, लाल चंदन, मान लो एक टाइप का सोना जो जमीन पे उगता है। इस जंगल के राजा हैं अपने पुष्पा भैया, इनके इशारे पे जंगल का रास्ता ओपन तो कभी एकदम बंद। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस बेचारी पीछा करती रहती है और पुष्पा का लाल सोना एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन राजा के दुश्मन वो भी बड़े खतरनाक। और मजेदार बात, इन सबके चेहरों पे है दोस्ती का नकाब, बाहर से सुंदर अंदर से अजगर, जो मौका मिलते ही पुष्पा को काट के खुद जंगल का राजा बनना चाहते हैं। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। बट इस कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो हाथ पैर से नहीं बल्कि दिमाग से बात करता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या, इनके बॉडी पे है पुलिस का यूनिफॉर्म, ताकत प्लस इज्जत, डेडली कॉम्बिनेशन। अभी मुद्दे की बात, फिल्म कैसी है? एकदम जबरदस्त, खतरनाक। मास सिनेमा जिसको बोलते हैं ना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है पुष्पा। एक एक सीन में एनर्जी फील होती है गर्मा गर्म। मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था। उनकी कहानी ही है इसका एक्स फैक्टर, एकदम डार्क एंड सीरियस, धीरे धीरे आपके दिमाग को चारों तरफ से लपेट के एंड में बिल्कुल होश उड़ा देती है। पूरी डिटेलिंग के साथ पुष्पा के कैरेक्टर को धीरे धीरे आप तक पहुँचाया जाता है। कौन है, कहाँ से आया, आगे कैसे बढ़ा, सारे जवाब एकदम कम्प्लीट तरीके से दिखाए जाते हैं। 3 घंटे आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो जो आप जानते हो कि बिल्कुल नकली है, लेकिन फिल्म की दमदार स्टोरी लाइन पुष्पा को लॉजिकल एंड बिलीवेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कोई एक से बढ़कर एक, सबके साथ एक अजीब सी फीलिंग जुड़ी हुई है, इविल, अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस, कौन क्या क्या कर सकता है कोई आइडिया ही नहीं है। और भैया, एक्शन एकदम टॉप लेवल का, रॉ एंड नेचुरल, हाथ पैर से मुक्का लान प्लस मुलाकात, लेकिन हर एक सीन इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो स्क्रीन के पीछे से थिएटर की एक एक सीट हिला दे। बीच बीच में रोमांस भी मिलेगा, सब कुछ मारधाड़ी नहीं है, गाने भी हैं, आइटम सॉन्ग भी है, लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी फालतू जबरदस्ती नहीं घुसाया गया जिससे फिल्म की पकड़ कमजोर हो जाए। देखो, पूरा खेल डायरेक्शन का है, वरना आज के टाइम में 3 घंटे ऑडियंस को थिएटर में बिठा के रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पुष्पा में एक सेकंड भी ब्रेक लेने का मन नहीं करता। डायरेक्टर सुकुमार पहले से ही प्लान कर चुके हैं कि पुष्पा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए फर्स्ट फिल्म को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि आप सब कुछ भूलकर सिर्फ ये जानना चाहते हो कि पुष्पा के साथ आखिर होगा क्या। और भैया, अब वो चीज जिसने पुष्पा का लेवल KGF जैसी फिल्मों के बराबर पहुंचा दिया, हीरो के टक्कर का विलन, खतरनाक फेस ऑफ, एक ऐसी आर पार की लड़ाई जिसमें हीरो जीतेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। अरे कमाल तो ये भी है कि असली हीरो कौन है ये भी नहीं पता। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना, वो लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला है। इतने ज्यादा इमोशंस एंड एनर्जी शायद ही आज तक किसी फिल्म के एंड सीन में देखी होगी आपने, और ये एंड तो है ही नहीं, सेकंड पार्ट की शुरुआत है। अल्लू अर्जुन, ओ माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं मतलब सच में पुष्पा को एक रियलिटी बना दिया इस बंदे ने। अल्लू अर्जुन फिल्म में है ही नहीं, वहाँ सिर्फ पुष्पा मिलेगा जिससे डर भी लगता है और उसकी बातों पे तालियां बजाने का मन भी करता है। एक एक सीन को पूरा रूल किया है इस बंदे ने, फाइटिंग, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, इवन डांस, हर एक चीज में 10/10। इसको बोलते हैं कंप्लीट एक्टर, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे 100 गुना ज्यादा वापस मिला। ये वो एक्टर नहीं है जिनको हीरो बनने के लिए लंबे चौड़े डायलॉग्स की जरूरत पड़ती है, इनकी आंखें ही काफी हैं ऑडियंस के दिल और दिमाग दोनों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। फहद फाजिल ज्यादा टाइम के लिए फिल्म में है नहीं, लेकिन जब ये कहानी में एंट्री मारते हैं तो पूरी कहानी सिर्फ इनके इशारों पे नाचती है। अल्लू अर्जुन को उन्हीं की फिल्म में चैलेंज करना, ये फहद के अलावा कोई दूसरा एक्टर बिल्कुल नहीं कर सकता। पुलिस का कैरेक्टर, वो भी गुंडे की तरह प्ले करना, इसके लिए जबरदस्त क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो फहद की परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देगी। ये विलन है कि हीरो, इसका फैसला बहुत मुश्किल है। रश्मिका अच्छी है और कहानी के लिए जरूरी भी है, लेकिन किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरी फिल्म में सबसे स्पेशल है। बस पुष्पा की गर्लफ्रेंड बना के प्रेजेंट किया है, बाकी सेकंड पार्ट में शायद इनका रोल थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाए। हिंदी डबिंग कैसी है वो भी सुन लो, टेंशन नॉट, मजा आएगा भाई। हाँ, अल्लू अर्जुन की ओरिजिनल आवाज वाला दम और पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन श्रेयस तलपड़े ने पूरी कोशिश की है पुष्पा के लेवल को ऊंचा रखने की। अभी 2 चीजें हैं जिनके बारे में बात जरूर करना चाहूंगी मैं। पहला तो ये कि मुझे नहीं पता कि फिल्म को जबरदस्ती नीचे गिराने की कोशिश क्यों हो रही है।
फालतू नेगेटिव रिव्यूज और झूठ बोलकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत गलत है। अच्छे सिनेमा को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। दूसरी बात, मेरे जैसे कुछ लोग जो फिल्म का ओरिजिनल तेलुगु वर्जन देखना चाहते हैं, उनको इंग्लिश सबटाइटल्स ही नहीं मिल रहे फिल्म में। अभी क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, जानबूझकर या गलती से, लेकिन अल्लू अर्जुन के टैलेंट के साथ पूरा इनजस्टिस है ये। और हिंदी शोज पूरे शहर में गिनती के सिर्फ 4-5 हैं। इसको बोलते हैं पैन फिल्म? कोई मजाक चल रहा है? KGF बाहुबली को चैलेंज कर सकती थी ये फिल्म, लेकिन शोज ही नहीं दोगे तो फिल्म लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो यार, मेरी तरफ से पुष्पा को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार्स। एक तो काफी मजेदार डायरेक्शन के लिए, 3 घंटे वो भी पूरे पैसा वसूली। दूसरा, क्या जबरदस्त कास्टिंग की है। अल्लू अर्जुन इन लीड प्लस सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में इतने रियल परफॉर्मेंसेज, और अपने पुलिस भैया फहद फाजिल एकदम किलर। तीसरा, एक कहानी को सेंटर पे डाल के उसके पीछे लिखी गई काफी सारी छोटी छोटी कहानियों में दिमाग को फंसा के रखने के लिए। चौथा, किसी रोमांटिक गाने की तरह डिजाइन किए गए एक्शन सीन्स जिनमें टोन है, इमोशंस हैं और कमाल के विजुअल्स, परफेक्ट मास सिनेमा। और आधा स्टार क्लाइमेक्स में हीरो वर्सेस विलन के अनप्रिडिक्टेबल फेस ऑफ के लिए, वहाँ सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन किस पे भारी है, एकदम से पूरा गेम बदल जाता है। नेगेटिव में आधा स्टार कटेगा, फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने के चक्कर में सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो एंड कहीं कहीं पर जबरदस्ती लंबा खींचने के लिए। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में यहाँ मामला थोड़ा ठंडा है। देखो बॉस, फिल्म देख लो, पक्का मजा आएगा। बॉलीवुड से तो काफी आगे है। हाँ, लेकिन स्पाइडरमैन से कंपेयर मत करने लगना, वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। फालतू बातें मत सुनो।